इससे पहले की वीडियोस में मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ सेबी ग्रेड ए लीगल एग्जाम के बारे में कि बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी भी है एंड नाउ द एग्जामिनेशन इज कमिंग क्लोज। हमारा इस एग्जामिनेशन का फेज वन का पेपर 5 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है। सो वी हैव अप्रॉक्सिमेटली 20 डेज इन हैंड। तो इन 20 डेज में अब हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि मोस्ट इफेक्टिव प्रिपरेशन हम दे सके अलॉन्ग विद प्रैक्टिस, इसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। हाय गाइज, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको सिलेबस दिख रहा होगा कि एग्जामिनेशन का जो फेज वन का सिलेबस है वो क्या है। अगर हम लीगल की बात करें स्पेसिफिकली, तो हमारे पास ये जो चैप्टर्स टोटल बन रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, दे आर अबाउट 15 सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू कवर फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब इन 15 सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए अगर हमारे पास 20 डेज है, साथ में हमें ये भी देखना है कि जो फेज वन का पेपर वन एग्जामिनेशन है उसमें हमारा इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस ये चीजें भी पूछी जाएंगी। एंड आई नो दैट इट हैपेंस दैट मेनी लॉ स्टूडेंट्स दे फेस एन इशू विद मैथ्स एंड दीज थिंग्स, बट द बेस्ट पार्ट इज कि जो आपका फेज वन पेपर वन का कट ऑफ आपको मीट करना है वो है 30%, यानी 1/3 मार्क्स आपको लाने हैं आउट ऑफ द 100 क्वेश्चंस। तो इफ देर आर 100 क्वेश्चंस, आप अगर 30 क्वेश्चंस उसमें से सही कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं फॉर योर पेपर टू। यू हैव टू मीट दैट कट ऑफ। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आप कुछ पार्ट्स छोड़ भी देते हैं, कुछ टॉपिक्स छोड़ भी देते हैं, इट वोंट रियली मैटर बिकॉज आपको कट ऑफ जो है वो इतना ज्यादा हाई नहीं है। देन मूविंग ऑन टू पेपर वन, फेज वन पेपर टू, उसमें जो लीगल सब्जेक्ट्स हैं उसमें बेसिक आपके लीगल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सीपीसी, इंडियन पार्टनरशिप, सबकी वेटेज भी साथ में दी हुई है। नाउ यू कैन सी कॉन्स्टिट्यूशन की काफी चंक में वेटेज जो है 20% इंडिविजुअली हमें कॉन्स्टिट्यूशन को देनी है। सो कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, इसको अच्छे से कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये जो बेसिक लॉज हैं दीज आर वेरी इजी, दे कैन बी डन इजिली। एंड ऑल्सो अगर हम आगे ये जो लॉज दिए हुए हैं इनकी बात करें तो ये भी बहुत छोटे छोटे लॉज हैं, दे आर नॉट एज लेंथी एज द सीपीसी आई वुड से, बिकॉज स्टूडेंट्स को सीपीसी में थोड़ा इशू रहता है। तो इसके रिस्पेक्ट में मैं कहूंगी कि यहाँ पे भी अगर आपको 40% कट ऑफ जो है वो मीट करनी है, एग्रीगेट में आपको 40% मीट करनी है एंड पेपर टू में भी आपको 40% मीट करनी है। तो अगर हम ये सिचुएशन देख रहे हैं उसके हिसाब से अभी हमारे पास जितना टाइम है 20 डेज का, उसके लिए व्हाट वी हैव डन फॉर यू इज वी हैव कम आउट विद अ मॉड्यूल। आपने देखा होगा अनुज जिंदल सर का जो चैनल है वहां पर हमने ये कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है। ही इज ऑलरेडी अ पायनियर, उनका ब्रांड जो है बैंकिंग एग्जाम्स में काफी फेमस है एंड वहां पे आपको ये सारी चीजें अंडर वन रूफ ये प्रोवाइड कराई जा रही हैं विद इन द कॉस्ट ऑफ 3500। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि नेक्स्ट 20 डेज में हम ये जो मॉड्यूल हमें मिला हुआ है इसकी तैयारी अच्छे से कर लें। आपको यहाँ पर क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव जो आपका फेज टू का पार्ट हो जाएगा, फेज टू की डिस्कशन हम अलग से करेंगे। हाउएवर अभी वी आर कंसर्न विद फेज वन, अभी फेज टू को भूल जाइए। जो सब्जेक्ट्स फेज टू में हैं डू नॉट वरी अबाउट देम, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी फेज टू के पहले के कंपैरिजन में कम हो गए हैं। तो उसके लिए हमारे पास अलग से एक महीना रहेगा प्रिपरेशन के लिए और वहां पर हमारा इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग नहीं रहेगा। तो क्योंकि अभी स्टूडेंट्स पे बर्डन ज्यादा है, सी रीजनिंग इंग्लिश ये बेसिक होता है, ये आप फिर भी हैंडल कर सकते हो। थोड़ा जनरल अवेयरनेस जो फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो शायद आपके लिए नए हो, वो आप पढ़ सकते हो यहाँ से। मैथ्स कर सकते हो बिकॉज मैथ्स इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर लीगल स्टूडेंट्स। नाउ जो लीगल का पार्ट है उसमें भी आपको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में पीडीएफ दी जा रही हैं एंड बहुत ज्यादा जो पूरा कोर्स है उस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करके ये पीडीएफ बनाए हुए हैं। दे आर नॉट लेंथी, दे आर क्वाइट, इट इज क्वाइट पॉसिबल टू कवर इट विद इन द नेक्स्ट 20 डेज। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम की कमी रहेगी, साथ साथ आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशंस लाइक दीज। तो प्रैक्टिस के लिए स्पेशली अगर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जा रही है फॉर बोथ योर फेज वन एंड फेज टू, 10-10 मॉक्स आपको मिलेंगे दोनों एरिया से प्रैक्टिस करने के लिए। तो जैसे जैसे आप पीडीएफ पढ़ते जाते हैं, जो पार्ट आप कंप्लीट करते जाते हैं, साथ साथ आप एक एक मॉक रोज भी अगर लगाएंगे नेक्स्ट 10 डेज में भी मॉक्स करेंगे, देन यू नो यू विल हैव अनदर 10 डेज टू इवैल्यूएट दोज मॉक्स। आप देख सकते हो कि हमने कहाँ गलती करी है, कौन से एरियाज में हम वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हमें फिर से पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, कौन से एरियाज पे हमें काम करने की जरूरत है। तो ऑल दीज थिंग्स विल गेट सॉर्टेड आउट। सो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन दैट यू नो यू कैन चेक दिस एट देयर वेबसाइट www.anujjindal.in। एंड फर्दर फेज टू के लिए हम अलग से बात करेंगे, अभी के लिए हमें सिर्फ फेज वन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ऊपर से हमें ये देखना है 30% 40% हमें मिनिमम कट ऑफ मीट करनी है। तो उस कट ऑफ के लिए ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। इट इज क्वाइट पॉसिबल, अगर आपको मैथ्स नहीं भी आता है और आपको अदर एरियाज आते हैं तो भी यू नो यू विल बी एबल टू मीट दैट कट ऑफ, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, आपके 4-5 सेक्शन बनते हैं। तो अगर हम
मैथ्स के मान लीजिए 10-15 क्वेश्चंस हटा भी दें तो भी इट इज क्वाइट पॉसिबल. इंग्लिश इजी होती है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा हाई लेवल आपसे नहीं पूछा जाएगा, कैट लेवल की रीजनिंग नहीं है. बेसिक आपको बेसिक एप्टीट्यूड वहां पर चेक होगा. तो इफ यू हैव दैट, इफ यू केपेबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, यू विल ऑब्वियसली बी एबल टू हैंडल इट. अदरवाइज ऑब्वियसली यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द मॉड्यूल और यू नो इफ एनी अदर प्लेस दैट यू आर स्टडिंग फ्रॉम, जो भी आपको सोर्स कंफर्टेबल लगता है, जहां से आप पढ़ते आ रहे हैं उसी चीज को वापस से रिवाइज करना है. साथ साथ हमको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए. मॉक्स का जैसे मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल में मॉक्स ऑलरेडी अवेलेबल है. अगर मान लीजिए आप एनरोल भी नहीं करते हो तो कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, टॉट, कॉन्ट्रैक्ट, इनकी जो वीडियोस हैं, इनके मैंने इंडिविजुअली हर चैप्टर के क्वेश्चंस यूट्यूब पे कराए हुए हैं, आप वो देख सकते हो. रिवीजन सीरीज करके मेरी प्लेलिस्ट है, वहां से आप कवर कर सकते हो. सो जस्ट मेक श्योर कि नेक्स्ट 20 डेज में आप काफी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि जो आपने पढ़ा है, क्योंकि आपने LLB में ये सब्जेक्ट्स पढ़े भी हैं, तो आपकी बहुत सी चीजें वापस से यू नो यू विल बी एबल टू रिकॉल. एंड इफ यू नो इट बिकम्स पॉसिबल फॉर मी, व्हाट आई विल डू इज जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो मैं अलग से यहाँ पर आपको लॉन्च करके दे दूंगी. चैनल पर हमारी वेबसाइट है www.lawdigest.in, वहां पे आपको मॉक्स अवेलेबल रहेंगे और आप वहां से मॉक्स दे सकते हैं. तो दैट इज इट, लग जाइए तैयारी में, बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं है, 20 दिन है हमारे पास. काफी अच्छी वेल पेइंग प्रेस्टीजियस जॉब है ये, एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी. विद दिस आई एंड दिस वीडियो. जस्ट इन केस अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट अभी रहता है तो उसको कॉमेंट बॉक्स में डालिए, एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम.